गुरुग्राम, दिल्ली, रेवाड़ी एवं एनसीआर से इको गाड़ी व मोटरसाइकिल चोरी करने के करीब एक दर्जन वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के तीन शातिर आरोपियों को हथियारों के साथ लूट की योजना बनाते हुए अपराध शाखा सेक्टर 39 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने किया काबू। आरोपियों द्वारा चोरी की गई 6 मोटरसाइकिलें, 3 इको गाड़ियां तथा एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक लोहे की रोड व एक टॉर्च पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से बरामद की गई है। आरोपियों द्वारा हथियारबंद होकर लूट की योजना बनाने पर आरोपियों के खिलाफ थाना सदर गुरुग्राम ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया व आरोपियों को अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपियों से अन्य साथी आरोपियों व अन्य वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ करते हुए आगामी कार्यवाही की जाएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। गिरफ्तार किया, क्या कुछ मामला है? ये गुड़गांव में, गुड़गांव, दिल्ली, रेवाड़ी व एनसीआर में इको गाड़ियां चोरी करने वाले और वो दूसरी तरह की चोरी करने, मोटरसाइकिल वगैरह चोरी करने वाले एक ग्रोह को पकड़ा है। कल हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 के इंचार्ज मनोज वर्मा को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग हथियारबंद होके और लूटपाट की तैयारी कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने रेडिंग पार्टी तैयार करके और वहाँ पे जब रेड की गई तो वहाँ पे 3 लोग उन्होंने काबू किए, जिसमें सोहेल, मौसम और अशफाक, ये मेवात के रहने वाले हैं। और इनको, इनसे एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक लोहे की राड, एक टॉर्च इत्यादि चीज़ें बरामद की गई और इनको, इनके खिलाफ लूट के प्रयास का मामला दर्ज करके और पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि हम एनसीआर में इको गाड़ियां व मोटरसाइकिल चोरी करने का काम करते हैं और हमने यहां से काफ़ी सारी मोटरसाइकिलें व इको गाड़ी व दूसरी गाड़ियां चोरी कर रखी हैं और इनसे 6 मोटरसाइकिल, 3 इको गाड़ियां और एक देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस व लोहे की राड व टॉर्च हमने बरामद कर ली है और इसमें आगामी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज हम कोर्ट में इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे की अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। शुरुआती तफ्तीश में कितने कुछ मामले शॉर्ट आउट हुए हैं, कितनी वारदातें इन्होंने कबूली हैं सर? अभी तक जो इन्होंने है 15 के करीब वारदात के बारे में हमें जानकारी दी है और हमें उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा इनमें वारदात हैं और उस सारी जानकारी इनसे हासिल की जा रही है। आज हम कोशिश करेंगे अदालत से कि भी इनका पुलिस रिमांड हासिल करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाए। अच्छा, आपने बताया इको गाड़ियों को ज़्यादा निशाना बना रहे थे, इको गाड़ी ही क्यों, क्या कुछ अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकल गया है? ये मोटरसाइकिल और इको गाड़ी दोनों को टारगेट कर रहे थे और इनको बेचने में इनकी वो आसानी थी, इसलिए इको गाड़ी इनको टारगेट कर रहे थे। ठीक है।